वेलकम टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2020 डे 3। आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे नंबर कोडिंग सिस्टम फॉर कैपेसिटर। तो अभी पिछले सर आई थिंक जो हमारा पहला क्लास था डे 1, उसमें मैंने आपको कुछ कैपेसिटर्स के बारे में बताया था और आपको फिजिकली भी दिखाए थे। तो कैपेसिटर में आपको मैंने कुछ टाइप्स दिखाए। पहला टाइप मैंने दिखाया आपको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पहली चीज़ तो मैंने बताया था कि उसमें पोलैरिटी होती है प्लस माइनस। दूसरा, उस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो उस कैपेसिटर के ऊपर ही प्रिंट होती है, ठीक है। और दूसरे टाइप के हमारे कुछ कैपेसिटर्स थे, सिरेमिक कैपेसिटर, पॉलिस्टर या फिल्म कैपेसिटर, और तीसरा टैंटेलम कैपेसिटर्स। तो इन कैपेसिटर्स पे उसका कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होता, एक नंबर कोडिंग होती है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स भी नंबर के साथ में प्रिंट रहेंगे। तो उस कोडिंग की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना होता है कि उस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है, कितनी है, ठीक है। तो ये जो हमारी कैपेसिटर की यानी इलेक्ट्रोलाइट, ये लिखा है मैंने, पॉलिस्टर, फिल्म कैपेसिटर, टैंटेलम या सिरेमिक कैपेसिटर की जो नंबर कोडिंग सिस्टम है, ये हमारा अमेरिका का एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल अलायंस या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज अलायंस EIA अलायंस होता है, उसने ये कुछ स्टैंडर्ड्स दिए थे जो हम सिरेमिक, पॉलिस्टर, फिल्म या टैंटेलम कैपेसिटर की कोडिंग के लिए यूज करते हैं उन स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स EIA यानी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज अलायंस द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं की हेल्प से हम अपने कैपेसिटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इस तरह से हो सकता है। सपोज ये मेरा कोई सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर है तो इस पे इस तरह से कोई नंबर प्रिंट रहेगा, सपोज 2A104J, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग का जो हमारा अल्फाबेट है A, उससे आगे एक डिजिट लगा होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 इस तरह से हो सकता है। तो उसका मतलब होगा हमारा DC वोल्टेज रेटिंग, यानी एक अल्फाबेट और उससे पहले जो नंबर है उसका मतलब होगा कि इस सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर या पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग कितनी है डीसी में। उसके बाद में 3 डिजिट उस पर इस तरह से प्रिंट रहेंगे। तो उन डिजिट के जो 3 डिजिट के नंबर में जो हमारे पहले 2 डिजिट होंगे, जैसे इस फॉर एग्जांपल इसमें आप देख रहे हैं 10, वो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। उसके बाद में जो 3rd डिजिट हमारा होगा इसमें, वो हमारा मल्टीप्लायर होगा, ठीक है, इन पिकोफेरेड। तो ये जो वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट हमारी पिकोफेरेड में होगी, जिसे हम नैनोफेरेड, माइक्रोफेरेड या फेरेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इस नंबर के बाद एक 3rd अल्फाबेट इस तरह से रहेगा, करेक्ट, ABCDEFJ इस तरह से कुछ भी, तो वो हमारे कैपेसिटर के टॉलरेंस को दर्शाता है, ठीक है। तो ये सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर में इस तरह से था, उसी तरह से आपका पॉलिस्टर या फिल्म कैपेसिटर में हो सकता है। सपोज ये 3A103 के, तो इसमें 3A आपका बता रहा है कि उसकी डीसी वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 103 उसका कैपेसिटर की वैल्यू, यानी 10 उसका सिग्निफिकेंट नंबर और 3 मल्टीप्लायर, और ये के आप देख रहे हैं ये उसका टॉलरेंस दर्शा रहा है, ठीक है। कुछ कैपेसिटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे ये वोल्टेज रेटिंग 2A इस तरह से नहीं दी होगी, सिर्फ इतना लिखा होगा 104J या 104K या 203 के इस तरह से, और ये जो वोल्टेज रेटिंग है वो इस तरह से अल्फाबेट्स में ना देकर के सीधा नंबर्स में प्रिंट होगी, जैसे 103 के 100 वोल्ट या 2000 वोल्ट इस तरह से। और अगर इस तरीके से वो नहीं दी है उसकी वोल्टेज रेटिंग, तो इस तरीके से दी होगी, फिर आपको वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। कुछ कैपेसिटर्स में आपको जैसे इसमें 3 डिजिट दिए हुए हैं 104, उसमें सिर्फ ये 2 डिजिट दिए रहेंगे 10, तो उसकी वही वैल्यू होगी पिकोफेरेड में। फॉर एग्जांपल किसी कैपेसिटर पे आपको इस तरह से, जैसे इसमें 2A104J लिखा था, कहीं पे हो सकता है आपको सिर्फ 103J ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब होगा C = 10 × 10³ pF, और J से इसका टॉलरेंस, ठीक है। या कहीं भी ये भी हो सकता है आपका किसी कैपेसिटर में सिर्फ 2 डिजिट का एक नंबर दिया हो, जैसे सपोज कहीं पे हो सकता है 22 लिखा हो, ना तो ये वोल्टेज रेटिंग दी हो ना ही टॉलरेंस उसका दिया हो, तो ये 22 यानी 2 डिजिट का नंबर अगर कहीं पे है तो यही आपका उस कैपेसिटर की वैल्यू होगी पिकोफेरेड में। यानी इसका मतलब हुआ कि मेरा ये कैपेसिटर 22 पिकोफेरेड का है,
ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, उससे पहले हम इसकी जो वोल्टेज कोड की टेबल है वो देख लेते हैं। इसके अलावा हमारी टॉलरेंस कोड के लिए जो टेबल EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज अलायंस ने डिफाइन की है या स्टैंडर्ड्स दिए हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग इन अल्फाबेट्स की वोल्टेज रेटिंग, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग वोल्टेज रेटिंग्स क्या होती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारी टेबल होती है, इसमें अगर कहीं पे हमारा 1A आया है तो उसका वोल्टेज रेटिंग डीसी में 10 वोल्ट होगा, अगर कहीं पे 2A आया है तो 100 वोल्ट डीसी। एक चीज और यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा ये नंबर बढ़ता जाएगा उसके आगे एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड होती जाएगी। सपोज ये 1A है तो वोल्टेज रेटिंग 10 वोल्ट डीसी, 2A है तो 100 वोल्ट डीसी, उसी तरह से अगर 3A है तो एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा 1000 वोल्ट डीसी। अगर कहीं पे हमारे कैपेसिटर में स्टार्टिंग में 2C प्रिंट है तो उसका मतलब हमारा हुआ 16 वोल्ट डीसी, अगर ओनली 1C है तो हमारा 16 वोल्ट डीसी। तो इस तरह से आपको ये पूरी टेबल याद रखना होगा, उसी तरह से कुछ ये कोड्स आपको दिख रहे हैं। अगर किसी कैपेसिटर पे स्टार्टिंग में 1H प्रिंट है तो उसका मतलब 50 वोल्ट डीसी में उसकी रेटिंग होगी कैपेसिटर की, अगर कहीं पे 1K प्रिंट है तो उसका मतलब 80 वोल्ट डीसी उसकी रेटिंग होगी, अगर कहीं पे 2K आया है तो एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, यानी 1K के लिए हमारा कितना था 80 वोल्ट डीसी, 2K के लिए 800 वोल्ट डीसी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टेबल आपको याद रखना होगा। उसी तरह से टॉलरेंस के लिए EIA ने एक टेबल दिया हुआ है हमें, ठीक है। अगर हमारा ये लास्ट वाला जो अल्फाबेट है या जो भी करेक्टर है ये अगर हमारा D है तो हमारा कैपेसिटर का जो टॉलरेंस होगा वो प्लस माइनस 0.5% होगा, अगर ये F है तो प्लस माइनस 1% हमारे कैपेसिटर का टॉलरेंस वैल्यू होगा, अगर ये G है तो हमारे कैपेसिटर का जो टॉलरेंस वैल्यू है वो प्लस माइनस 2% होगा, अगर उस पे H प्रिंट है लास्ट में तो उसका टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस 3% होगा, अगर उस पे J प्रिंट है तो उसका टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस 5% होगा, अगर उस पे कहीं पे K प्रिंट है लास्ट में तो उसका टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस 10% होगा। उसी तरह से M, P और Z, अगर P प्रिंट है तो उसका टॉलरेंस वैल्यू प्लस 100% या माइनस 0% होगा, अगर Z उस पे प्रिंट है तो उसका टॉलरेंस वैल्यू प्लस 80% या माइनस 20% होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स बताए हुए हैं कि आप पिकोफेरेट से माइक्रोफेरेट में या नैनोफेरेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू होती है ये पिकोफेरेट में ही रहेगी, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर नैनोफेरेट या माइक्रोफेरेट में। तो ये यूनिट्स आप देख रहे हैं, सबसे पहले नैनो का मतलब हम समझते हैं, नैनो का मतलब 10^-9, माइक्रो मीन्स 10^-6, तो 1 नैनोफेरेट इक्वल्स टू 1000 पिकोफेरेट, या हम ये बोल सकते हैं equals to 10^3 picofarad, ठीक है। एंड उसी तरह से आपका 1 picofarad equals to 0.001 nanofarad, 1 microfarad equals to 10^6 picofarad। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कैपेसिटर था 2A104J, तो इसके कैपेसिटर की वैल्यू हमें निकालनी है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, C equals to पहले हम इसको देखते हैं 10, यानी दो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए हमारे, इनटू 10^4, तो क्या होगा हमारा, हमारी ये इतना पिकोफेरेड होगी, आप इसको बोल सकते हैं 10^5 पिकोफेरेड, ठीक है। तो ये आपका पिकोफेरेड में वैल्यू हो गया 10^5 पिकोफेरेड। अगर मुझे इसे माइक्रोफेरेड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था नीचे 1 माइक्रोफेरेड में 10^6 पिकोफेरेड्स होते हैं, तो माइक्रोफेरेड में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 10^5 / 10^6,
मेरा क्या आएगा 0.1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो मेरा ये कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफेरेड वैल्यू का कैपेसिटर है। ये जे क्या है, जे है इसका प्लस माइनस 5%, यानी इसका जो टॉलरेंस है, क्योंकि लास्ट में जे आ रहा है तो इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 5% इसका टॉलरेंस हो गया। और इसकी वोल्टेज रेटिंग, क्योंकि 2A आ रहा है स्टार्टिंग में, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, आप यहाँ देखें 1A means 10 volt DC, 2A means 100 volt DC, तो ये मेरा इसकी वोल्टेज रेटिंग मेरी 100 volt DC होगी। तो मेरा ये कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफेरेड का है, जिसका टॉलरेंस प्लस माइनस 0.5% है, सॉरी प्लस माइनस 5% इसका टॉलरेंस है, और ये 100 volt DC पे ऑपरेट करेगा, यानी इसकी वोल्टेज रेटिंग 100 volt DC है। उसी तरह से अगर मुझे इसका कैलकुलेट करना हो कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो मैं कैसे करूंगा, C इक्वल्स टू 10 इंटू 10 की पावर 3 पिको फैरेड, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा 10 की पावर 4 पिको फैरेड, ठीक है। और अगर मुझे इसे माइक्रो फैरेड में आप कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया कि 1 माइक्रोफेरेड इक्वल्स टू 10 की 10 टू द पावर 6 पिकोफेरेड्स, तो पिको माइक्रोफेरेड में ये वैल्यू क्या होगी, C इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 अपॉन 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 0.01 माइक्रोफेरेड। तो ये कैपेसिटर मेरा 0.01 माइक्रोफेरेड का है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग, डीसी वोल्टेज रेटिंग 3A दिया है, तो डीसी वोल्टेज रेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं 1000 वोल्ट इसकी डीसी वोल्टेज रेटिंग है। तो इसकी वोल्टेज रेटिंग होगी मेरी 1000 वोल्ट डीसी, ठीक है। लास्ट में क्योंकि के आ रहा है, तो इसका जो हमारा वो होगा टॉलरेंस होगा, उसका टॉलरेंस आप इससे देख सकते हैं प्लस माइनस 10%, इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 10% है। तो मैं रेजिस्टर के केस में आपको बताया था कि आप कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, 0.01 माइक्रोफेरेड का 10% कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देंगे, जो भी परसेंटेज निकल के आएगी इसकी 10%, 0.01 का 10% जो भी निकल के आएगा, आप उसको इसमें से एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आपके इस कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो उन दोनों वैल्यूज के बीच में ही वैरी करेगी, ठीक है। तो ये आपका टॉलरेंस हो गया, और ये इसकी डीसी वोल्टेज रेटिंग होगी मैक्सिमम। तो इस तरह से आप किसी भी सिरेमिक, पॉलिस्टर, फिल्म या टेंटेलम टाइप के कैपेसिटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस नंबर कोडिंग सिस्टम की हेल्प से। मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ और कैपेसिटर्स दिखा रहा हूँ, उनपे किस तरह से प्रिंट रहता है या किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप अभी स्क्रीन पे एक पॉलिस्टर कैपेसिटर देख पा रहे हैं, तो इस पर एक नंबर आपको विजिबल होगा 2A104J। तो इसमें जो 2A आपको दिख रहा है, ये इसकी वोल्टेज रेटिंग दिखा रहा है डीसी में, और लास्ट में J आपको नज़र आ रहा है वो इसका टॉलरेंस। और ये जो 3 डिजिट का नंबर आपको इस पर दिख रहा है, इसमें स्टार्टिंग के दो नंबर, यानी 10 इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए, 4 इसका मल्टीप्लायर होगा, तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया अभी। तो यहाँ 2A का मतलब हो गया आपका 100 वोल्ट डीसी, ठीक है, और J का मतलब हो गया इसका प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, ठीक है, हम देख पा रहे होंगे। उसी टाइप से ये मेरा कोई दूसरा पॉलिस्टर कैपेसिटर हो गया, फोकस इट, हाँ, तो आप इस पे देख रहे हैं, इस पे भी लिखा है यहाँ 154J, वन मिनट फोकस कर रहे हैं, यहाँ आप 154J लिखा देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस 154J का मतलब है, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ कैपेसिटर्स पे वोल्टेज की रेटिंग उस तरह के कोड में लिखी रहेगी, कुछ जगह पे डायरेक्ट प्रिंट रहेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 200 वोल्ट सीधा लिखा हुआ है,
तो इसकी डीसी वोल्टेज रेटिंग 200 वोल्ट हो गई। यहाँ आप नंबर देख रहे हैं 154, इससे आप इसका टॉलरेंस कैलकुलेट कर सक सॉरी इससे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पहले दो डिजिट इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स, थर्ड डिजिट इसका मल्टीप्लायर, और लास्ट का जे जो आपको दिख रहा है वो इसका टॉलरेंस, यानी प्लस माइनस 5% इसका टॉलरेंस हो गया। उसी तरह से आप कुछ सिरेमिक टाइप के कैपेसिटर्स देख सकते हैं, जैसे आप एक सिरेमिक कैपेसिटर देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। हाँ, तो इस सिरेमिक कैपेसिटर पे भी एक वैल्यू प्रिंट है 102K, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 1 KV। तो इसकी वोल्टेज रेटिंग इस पर डायरेक्ट लिख दी गई है 1 KV, यानी 1000 वोल्ट। और 102 से आप इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पहले दो सिग्निफिकेंट नंबर, लास्ट वाला मल्टीप्लायर, और 102 के लास्ट में बाद में जो अल्फ़ाबेट लिखा है के, उसका मतलब है इसका टॉलरेंस। तो के लिए जो टॉलरेंस होगा इसका वो होगा प्लस माइनस 10%, ठीक है। इसी टाइप से आपका कोई कैपेसिटर हो सकता है जिसपे सिर्फ आपके दो डिजिट का एक नंबर प्रिंट रहेगा, जैसे इस पर आपका 27 प्रिंट है, ये हमारा एक सिरेमिक कैपेसिटर है, सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर, तो इस पर ओनली टू डिजिट प्रिंट है 27, तो इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू हमारी 27 पिकोफेरेड है, ठीक है, 27 पिकोफेरेड का ये हमारा कैपेसिटर हो गया। तो मैंने आपको दिखाया था ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर, इस पर आपको मैंने दिखाया फोकस करके कि इस पर प्रिंट है 2A104J। तो 2A इसकी वोल्टेज रेटिंग होगी, 104 से हम इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जे इसका टॉलरेंस बताएगा। तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स 10 यानी हमारे दो सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, मल्टीप्लायर इंटू 10^4 इक्वल्स टू 10^5, और ये वैल्यू हमेशा पिकोफेरेड में होगी, यानी PF पिकोफेरेड। अगर मुझे इसे माइक्रोफेरेड में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको बताया था 1 माइक्रोफेरेड इक्वल्स टू 10^6 पिकोफेरेड। अगर ये वैल्यू मुझे माइक्रोफेरेड में निकालनी है तो क्या आएगा, C इक्वल्स टू 10^5/10^6 इक्वल्स टू 0.1 माइक्रो फैरेड, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या करेक्टर था, J, तो इसका टॉलरेंस क्या होगा, J के लिए मैंने टेबल बताई थी आपको, इसका टॉलरेंस आपका होगा J के लिए प्लस माइनस 5% इसका टॉलरेंस होगा। और इसके स्टार्टिंग में जो हमारा पहला वो था कोड था 2A, जो हमें बताएगा इसका वोल्टेज रेटिंग, वो क्या होगा 2A के लिए क्या होगा 100 वोल्ट DC, यानी इसकी DC वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्ट है। तो मुझे क्या क्या पता चला है इस पूरे कोड से, पहली चीज़ मेरा जो कैपेसिटर का वैल्यू है सिरेमिक पॉलिएस्टर कैपेसिटर का वो 0.1 माइक्रोफेरेड है ये। दूसरा मुझे इसके बारे में पता चला कि इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 5% है, जो कि आप मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था या पिछली क्लास में रजिस्टर के लिए कवर किया था, उसी तरह से आप इसका टॉलरेंस निकाल सकते हैं इसका 5% कैलकुलेट करके 0.1 माइक्रोफेरेड का। दूसरा इसका जो डीसी वोल्टेज रेटिंग है वो मुझे पता चला, वो है इसका 100 वोल्ट DC, ठीक है, 100 वोल्ट DC वोल्टेज। तो ये चीज़ें मुझे इससे पता चल गई। उसी टाइप से मैंने आपको एक और बताया था, दूसरा हमारा सिरेमिक कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया था जिसपे 681K कोड लिखा था, यानी 681K, और उस पर वोल्टेज की रेटिंग के लिए कोई कोड नहीं दिया गया था, उस पर सीधा 500 वोल्ट लिखा था। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं शीट दूसरी ले लेता हूँ इस टाइप से। 681 के लिए आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, C इक्वल्स टू 68 इंटू
टेन की पावर वन इक्वल्स टू 680 पिको फैरेड। उसके बाद अगर मुझे इसे पिको माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 680 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, तो मेरा ये माइक्रो फैरेड में वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 0.00068 माइक्रो फैरेड। उसी टाइप से आप इसको फैरेड वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये इस कैपेसिटर सिरेमिक कैपेसिटर की वैल्यू पिको फैरेड में 680 पिको फैरेड हो गई और माइक्रो फैरेड में 0.00068 माइक्रो फैरेड। दूसरा, इस पे वोल्टेज की रेटिंग लिखा है, तो इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, 500 वोल्ट डीसी में, ठीक है। दूसरा, 681 के बाद में जो दिया था मेरा के लिखा था, तो के का मतलब इसका टॉलरेंस क्या होगा, के के लिए हमारा टॉलरेंस होता है ±10%। उसके लिए वो टेबल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसी टाइप से मैंने एक और कैपेसिटर सिरेमिक में ही आपको दिखाया था जिसमें सिर्फ दो डिजिट प्रिंट थे, उस पर लिखा था 22, आप देख रहे थे, इस पर 27 लिखा हुआ था, ठीक है। तो उस 27 का क्या मतलब हो गया, ना तो इसमें कोई मल्टीप्लायर दिया था, ना वोल्टेज की कोई रेटिंग दी थी, ना टॉलरेंस का कुछ पता चल रहा है। तो इससे ना तो आप टॉलरेंस का पता कर सकते हैं, अगर ऐसे दो डिजिट का कोई कोड किसी सिरेमिक कैपेसिटर या पॉलिएस्टर कैपेसिटर पे लिखा है, तो उससे आप उसकी वोल्टेज रेटिंग और टॉलरेंस का पता नहीं लगा सकते, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू का पता कर सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, सी इक्वल्स टू 27 पिको फैरेड, यानी ये डायरेक्ट हम लेके चलेंगे क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लायर नहीं दिया है, तो इसकी यही वैल्यू होगी पिको फैरेड में। माइक्रो फैरेड में अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे जैसे मैंने पिछले दो कैपेसिटर्स के लिए भी कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आप सिरेमिक पॉलिस्टर या टैंटेलम टाइप के कैपेसिटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका टॉलरेंस निकाल सकते हैं, उसकी वोल्टेज रेटिंग का पता कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर कोडिंग सिस्टम है। एक्चुअली हमारी जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं उनके कोडिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे आप पता कर सकें कि वो पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ क्या है या वो किस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी है। तो उसके कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आपको आगे कवर किए जाएंगे। अभी हम सिर्फ ट्रांजिस्टर के लिए पढ़ रहे हैं कि ट्रांजिस्टर की कोडिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर पे जो नंबर या लेटर्स लिखे हैं उनकी हेल्प से आप कैसे पता कर पाएंगे कि वो ट्रांजिस्टर आपका किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है या किस यूज़ के लिए बना हुआ है। तो ट्रांजिस्टर कोडिंग में हमारे दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में हमारे दो लेटर्स होते हैं इस टाइप से, ए बी, बी सी, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूले टाइप में मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा कोई नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा उसमें क्या होता है, पहले हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को कवर कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो ट्रांजिस्टर की कोडिंग में मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपके ट्रांजिस्टर पे कोई नंबर इस तरह से लिखा रहेगा, सपोज BC547, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी है और उसकी टेस्टिंग भी दिखाई थी। तो उसमें B का क्या मतलब है, B यानी जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल हमारा ये ट्रांजिस्टर है BC547, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा हुआ है इट शोज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो इसमें जो पहला लेटर होगा वो दिखाएगा कि आपके ट्रांजिस्टर का सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, यानी वो किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया है। दूसरा लेटर जो होगा वो आपका दिखाएगा इट शोज द यूज और एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, मीन्स उस ट्रांजिस्टर का क्या यूज है या उसे किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। तो उसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं ये कुछ लेटर्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वो किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। तो फर्स्ट लेटर में अगर किसी ट्रांजिस्टर पे आपका फर्स्ट लेटर ए है तो इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर हमारा जर्मेनियम से बना हुआ है।
अगर बी वहां पे पहला लेटर है तो इट मींस आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन से बना हुआ है। अगर वहां पे सी है तो आपका गैलियम आर्सेनाइड से उस ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग की गई है। और अगर उस पर डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके ट्रांजिस्टर को बनाने में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया गया है वो इंडियम एंटीमाइड का यूज किया गया है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड लेटर अगर किसी ट्रांजिस्टर का सी है तो इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, यानी उस ट्रांजिस्टर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपके ट्रांजिस्टर में सेकेंड लेटर डी है तो आपका ट्रांजिस्टर ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर है, यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफिकेशन के लिए आपके उस ट्रांजिस्टर को डिजाइन किया गया है। अगर उस पे सेकेंड लेटर एफ है तो आपका ट्रांजिस्टर लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि उस पे सेकेंड लेटर पी कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके ट्रांजिस्टर को हाई पावर की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको एम्पलीफाई करने के लिए बनाया गया है। तो इस सेकेंड लेटर से आपका यूज पता चल रहा है कि किस एप्लीकेशन या किस यूज के लिए उस ट्रांजिस्टर को बनाया गया है, और फर्स्ट लेटर हमें बताता है कि हमारा ट्रांजिस्टर किस प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक ट्रांजिस्टर है BC547, इट मींस बी यहां पे फर्स्ट लेटर है तो हमारा ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बना हुआ है, सेकेंड लेटर सी है तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है, यानी ये आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। ठीक है, अगर हमारा ट्रांजिस्टर की फर्स्ट में ये इस टाइप से लिखा है कहीं पे BF494 एक ट्रांजिस्टर होता है तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बना हुआ है और वो लो पावर की रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाने वाला है या यूज किया जाएगा। यदि हमारे किसी ट्रांजिस्टर पर मान लीजिए AD139 लिखा है इस तरह से, या BD139 AD139 ऐसे लिखा है तो इसका मतलब A का मतलब हुआ हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो जर्मेनियम से बनाया गया है, और सेकंड लेटर D है तो वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर है। ठीक है, अगर हमारा BD140 है कोई ट्रांजिस्टर होता है, BD140 ट्रांजिस्टर होता है तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बनाया गया है और ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफिकेशन के लिए उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में आप फर्स्ट दो लेटर्स को देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है और किस पर्पस या किस एप्लीकेशन के लिए उसका यूज किया जाता है। जैसे आप इस ट्रांजिस्टर पे देख पा रहे हैं आपको एक कोड विजिबल होगा BC547, आप ध्यान से देखें इसे, BC ऊपर लिखा हुआ है, 547 नीचे लिखा है, तो इसका मतलब है पहले B यानी पहले लेटर का मतलब है कि हमारा ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बनाया गया है। दूसरा लेटर है इसमें C, उसका मतलब है कि ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो ये हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स होता है ट्रांजिस्टर की कोडिंग का। उसके बाद ट्रांजिस्टर कोडिंग सिस्टम में ही हमारे एक दूसरे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। इस स्टैंडर्ड्स के कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इससे केवल आप इतना पता कर पाएंगे कि वो आपका ट्रांजिस्टर है, डायोड है या क्या है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना तो पता चल सकता है कि वो आपकी जो डिवाइस है यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो आपका डायोड है या ट्रांजिस्टर है या कोई दूसरा डिवाइस है, लेकिन उससे आप ये पता नहीं कर सकते कि उसको किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया है या उसे किस पर्पस या किस एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें इस स्टैंडर्ड में कुछ ट्रांजिस्टर्स देखेंगे उस पे सिंपली इस तरह से लिखा रहता है 2N या कहीं पे लिखा रहेगा 2N3906 या कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे, जैसे मैंने आपको पीएन जंक्शन डायोड कल दिखाए थे तो उसका नंबर था 1N4007
या मैं आपको एक जेनर डायोड दिखा रहा था अभी, जस्ट जब मैंने कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन आपको दिया था, तो उसमें एक जेनर डायोड था, उसका नंबर था 1N4148। तो सबसे पहले ये जो N है, इससे हमें पता चलता है नंबर ऑफ जंक्शंस, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस हमारी ये है उसमें नंबर ऑफ जंक्शंस कितने हैं। तो अगर कहीं पे 1N लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ एक जंक्शन प्रेजेंट है, यानी इस टाइप से PN। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ जंक्शन कितना है 1, ये हमारा जंक्शन है, तो इसमें सिंगल जंक्शन प्रेजेंट है। तो अगर कहीं पे 1N आ जाए तो इसका मतलब है कि वो हमारा डायोड है। अब वो PN जंक्शन डायोड है या NPN है, सॉरी PN जंक्शन डायोड है या जेनर डायोड है, वो आपको उसके नंबर से या उसकी डेटा शीट से ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है, या उसे किस एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है, आप इससे ज्यादा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। उसी तरह से अगर कहीं पे 2N आया है, कोई ट्रांजिस्टर है उसके ऊपर 2N लिखा है, तो इसका 2N का मतलब होता है नंबर ऑफ जंक्शन वहां पे 2 है। जैसे आप देखिए PNP ट्रांजिस्टर हमारा होता है PNP। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, इसमें हमारे दो जंक्शंस हैं, एक PN यानी एक जंक्शन हमारे यहाँ पे बन रहा है, और एक ये NP, एक जंक्शन हमारे यहाँ पे बन रहा है J2। तो 2N का मतलब है कि वो ड्यूअल जंक्शन डिवाइस है। ड्यूअल जंक्शन किस में होते हैं हमारे PNP में, PNP या NPN ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमारे दो जंक्शन होते हैं। तो अगर कहीं पे 2N नंबर आया है, 2N लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो हमारी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। दूसरा है ये नंबर इस पे लिखा होता है, तो कोई डिवाइस जितना लेटेस्ट होगा इस कोडिंग सिस्टम में, ये नंबर जितना हायर होगा, जितना बड़ा होगा, उसका मतलब है कि वो ट्रांजिस्टर या वो पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस उतनी ही रिसेंटली डिजाइन की गई है। वो दिखाता है उसका प्रोडक्शन, ठीक है, कि वो कितने टाइम पहले बना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2N2222, तो ये बहुत पहले मैन्युफैक्चर किया गया होगा। 2N3906 अगर इस पे दिखा रहा है, तो ये वाला ट्रांजिस्टर इसके बाद में मैन्युफैक्चर किया गया होगा। उसी तरह से आपका 1N4007, तो ये जो नंबर है ये दिखा रहा है इसका मैन्युफैक्चरिंग 1N4148 से पहले हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में मिल नहीं पाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में, तो इसलिए इसका यूज़ अब कम किया जाता है थोड़ा सा। हमारे जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम ब्रेडबोर्ड पे सर्किट की टेस्टिंग सीखेंगे। सबसे पहले ब्रेडबोर्ड के बारे में जानेंगे कि हमारा ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। एक्चुअली पीसीबी डिज़ाइनिंग करने से पहले, जो हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है फाइनल, उसे डिज़ाइन करने से पहले हमें किसी भी सर्किट को वेरीफाई करना ज़रूरी है कि हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो प्रॉपर वर्क करेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन या नहीं। तो उसके लिए हम ब्रेडबोर्ड का यूज़ करते हैं। ब्रेडबोर्ड कुछ इस तरह का होता है, जिस तरह का मैं आपको शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का हमारा ब्रेडबोर्ड होता है। तो इसके कनेक्शंस किस तरह से किए जाते हैं इस पर मैं वो आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जो इस पर अभी पहला सर्किट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो हमारा होगा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच NPN, यानी ट्रांजिस्टर की स्विचिंग हम सीखेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे यूज़ किया जाता है और PNP ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले उसकी थियोरेटिकल वर्किंग हम बोर्ड पे समझ रहे हैं, उसके बाद हम इसे इस पे ब्रेड बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, NPN ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करना। तो NPN ट्रांजिस्टर में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, इस तरह से होता है आपका NPN। ये मैंने कल भी आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, एमिटर बेस कलेक्टर। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे NPN ट्रांजिस्टर का एमिटर और कलेक्टर टर्मिनल N टाइप है, ठीक है, नेगेटिवली डोप्ड है, और बेस हमारा पी टाइप है, ठीक है। तो NPN ट्रांजिस्टर में करंट हमारी कैसे फ्लो होती है, ये एरो से हम देख रहे हैं, कलेक्टर से एमिटर की तरफ,
ठीक है, लेकिन इसका बेस क्योंकि पी टाइप है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए उसके बेस पे हमें हमेशा एक्टिव हाई यानी पॉजिटिव इनपुट देना होगा, एक्टिव हाई यानी पॉजिटिव। इसलिए आप इस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ ये 9 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल को मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया यानी ग्राउंड किया हुआ है। कलेक्टर से एक एलईडी लगी है जिसके कैथोड टर्मिनल को मैंने कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है, एनोड टर्मिनल को एलईडी के एनोड टर्मिनल को मैंने 1 किलो ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है, उधर हम यही आप देख रहे हैं टॉगल स्विच है, टॉगल स्विच को मैंने टॉगल स्विच के एक टर्मिनल को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है यहाँ पे और दूसरे टर्मिनल को टॉगल स्विच या टैग स्विच इसको बोलते हैं, तो टैग स्विच के दूसरे टर्मिनल को मैंने 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर की बेस से कनेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ट्रांजिस्टर का एमिटर परमानेंटली ग्राउंड है और मैंने बताया करंट इसमें कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा होगा करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, अगर हमारा करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर टू कलेक्टर हमारे फ्लो होंगे। तो जैसे ही मैं इस वाले स्विच को अपने फिंगर से प्रेस करूंगा तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और एक करंट हमारी यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुंचेगी। ठीक है, 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस और बेस से होती हुई हमारी करंट ऐसे ग्राउंड हो जाएगी आई। ठीक है, तो करंट हमारा बेस पे मिला और वो ग्राउंड हो गया और इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होंगे। ठीक है, तो कलेक्टर पे हमें क्या मिलेगा, जैसे ही ट्रांजिस्टर पे हमने यहाँ बेस स्विच प्रेस किया एक हाई एक्टिव हाई सिग्नल ट्रांजिस्टर के बेस पे मिला, ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो गया, करंट बेस से एमिटर की तरफ फ्लो हुई, इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से कलेक्टर की तरफ हमारे फ्लो होने लगे, तो कलेक्टर पे हमें नेगेटिव आउटपुट मिलेगा और एलईडी का कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल हमने कलेक्टर से कनेक्ट करके रखा होगा तो हमारी एलईडी ग्लो कर जाएगी। उसी टाइप से जैसे ही मैं यहाँ से अपना फिंगर रिलीज करूंगा, ये स्विच को ऑफ करूंगा, तो बेस पे जो एक्टिव हाई सिग्नल मिल रहा था वो अब लो हो जाएगा जिससे हमारे बेस से एमिटर की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होगी ऑफ स्टेट में, तो एमिटर से कलेक्टर की तरफ भी कोई नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। तो अभी हमें यहाँ जो नेगेटिव चार्ज मिल रहा था वो अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच वर्क कराते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स या हमारी जो डिजिटल आईसीज होती हैं उनका आउटपुट कैपेबल नहीं होता कि वो किसी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस जैसे रिले है, बसर है या इस तरह की कुछ दूसरी डिवाइसेस होती हैं जिनका ऑपरेटिंग करंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो उसको डायरेक्ट इंटरफेस हम नहीं कर सकते माइक्रो कंट्रोलर या उन डिजिटल आईसीज से क्योंकि वो उसे ऑपरेट नहीं करा पाती। तो हम क्या करेंगे, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यानी जो बहुत लो वोल्टेज या लो करंट सिग्नल हमें उन डिजिटल आईसी या माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट से मिल रहे हैं उसे पहले इसी तरीके से एक ट्रांजिस्टर के बेस पे हम अप्लाई करते हैं और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं करंट से कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो होने के लिए। और हमारी जो भी थोड़ी सी पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं जो ज़्यादा वोल्टेज से ज़्यादा करंट जिनका ऑपरेटिंग करंट या ऑपरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होता है जैसे रिले है बजर है उनको हम ऑपरेट करा सकते हैं। उसी टाइप से ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये आप देख रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी आपने देखा है यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल पॉजिटिवली डोप्ड यानी पी टाइप होता है और बेस टर्मिनल एन टाइप यानी कि नेगेटिवली डोप्ड होता है। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए हमें इसके बेस पे हमेशा नेगेटिव इनपुट देना होगा, नेगेटिव यानी एक्टिव लो, तो वहां पे आप देख रहे हैं इस ट्रांजिस्टर में और इसका क्योंकि एमिटर टर्मिनल पी टाइप है यानी पॉजिटिवली डोप्ड है तो मैंने देखा होगा इसमें कनेक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर के कनेक्शन से जस्ट अपोजिट है, यहां मैंने इसके एमिटर को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है तो
करंट भी एनपीएन ट्रांजिस्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है पीएनपी के केस में, तो वहां हमारी करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो हो रही थी, यहां हमारी करंट एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होगी। तो इसमें मैंने क्या किया है, ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को एलईडी के एनोड, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर भी पी टाइप है, पॉजिटिवली डोप्ड है, तो इसके कलेक्टर पे जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अब उसमें एनपीएन के केस में नेगेटिव मिल रहा था, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए मैंने एक एलईडी का एनोड टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट करके रखा हुआ है और उसी एलईडी का कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, सेम फिर उसी टाइप से बेस, क्योंकि इसका एन टाइप है तो बेस पे नेगेटिव इनपुट चाहिए एक्टिव लो, तो मैंने इसके बेस को 1 किलो ओम रेजिस्टर एंड एक टॉगल स्विच की हेल्प से टॉगल स्विच के अक्रॉस बैटरी के ग्राउंड कनेक्शन यानी नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। तो होगा क्या, जैसे ही मैं ये स्विच प्रेस करूंगा तो यहां से यानी एक नेगेटिव चार्ज एक्टिव लो नेगेटिव चार्ज ऐसे ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुंचेगा, हाई सॉरी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज समझ लीजिए या एक एक्टिव लो सिग्नल इसके बेस पे पहुंचेगा तो मेरा ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर जाएगा। जैसे ये ट्रांजिस्टर मेरा ऑन होगा या कंडक्ट करेगा, मैंने इसके एमिटर को क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव पे रखा हुआ है कनेक्ट करके, तो मेरा एक करंट आई एमीटर से करंट की तरफ फ्लो होगा, सॉरी एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होगा, मेरा जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर और एमीटर से होते हुए कलेक्टर पे पहुंचेगा पॉजिटिव, तो वो इस एलईडी को ऑन करा देगा। उसके बाद जैसे ही मैं स्विच को यहां से फिंगर रिलीज करूंगा या इस स्विच को ऑफ करूंगा, तो अभी तक इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जो एक्टिव लो यानी नेगेटिव सिग्नल मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में जाएगा और ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में जब जाएगा तो इसके एमिटर से कलेक्टर की तरफ जो करंट अभी फ्लो हो रही थी वो ऑफ हो जाएगी, यानी करंट फ्लो नहीं होगी, कोई करंट इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस कंडक्ट नहीं करेगी, जिससे हमारी ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों को अभी हम ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। दूसरा, ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस को भी हम समझेंगे कि ब्रेडबोर्ड पे हम सर्किट की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारा इस टाइप का ब्रेडबोर्ड होता है। ब्रेडबोर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है, सपोज ये मेरा कोई पीसीबी है और इसका कोई सर्किट होगा, तो जब तक मैं ये श्योर ना हो जाऊँ कि मेरा सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है तब तक मैं उसके पीसीबी डिज़ाइन के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा सर्किट प्रॉपर हो सकता है मैं उसको डायरेक्ट पीसीबी डिज़ाइन कर दूं और वो प्रॉपर वर्क ना करे, तो उसके बाद मुझे डिसोल्डरिंग करके कंपोनेंट्स हटाने पड़ेंगे, या क्योंकि ट्रैक्स उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बन चुके होंगे तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर पाना फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने किसी भी सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, उसके बाद अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है तो हम पीसीबी डिज़ाइन या जो भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं वहाँ उस तरफ जाते हैं, और अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हम अपने सर्किट को मॉडिफाई करके देखते हैं या कनेक्शंस को चेंज करके देखते हैं। तो सर्किट टेस्टिंग के लिए इस बोर्ड का ब्रेडबोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ब्रेडबोर्ड का यूज़ करने से पहले हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लें थोड़ा सा। तो ये ब्रेडबोर्ड होता है हमारा, इसमें आप देख रहे होंगे ये हमारी दो रोज़ होती हैं, ये पहली रो ये है इस टाइप से, ये यहाँ तक यानी पांच सेगमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये हमारी एक रो है, ये हमारी दूसरी रो है। तो ये पहली रो पहले सेगमेंट से लेके पांचवे सेगमेंट तक शॉर्ट होती है, फिर यहाँ से ये रो ओपन हो जाएगी, फिर यही रो इस सेगमेंट से लेके इस सेगमेंट तक शॉर्ट होती है। उसी तरह से ये दूसरी वाली रो हमारी पहले सेगमेंट के इस होल से पांचवें सेगमेंट के इस होल तक शॉर्ट रहती है और हमारी फिर यहाँ ओपन हो जाती है दूसरी रो, फिर हमारा इस छठे सेगमेंट के पहले होल से लास्ट इस होल तक, लास्ट सेगमेंट के इस नीचे वाले रो का जो ये होल है यहाँ तक हमारा दूसरी रो शॉर्ट रहती है। ठीक है, तो अगर मुझे इस पूरी रो में कनेक्शन देना है तो मुझे इसे इस तरह से यानी इन पहले पांच सेगमेंट्स को नेक्स्ट पांच सेगमेंट्स के साथ में ऐसे शॉर्ट करना पड़ेगा। अब ये पूरी रो ऊपर वाली शॉर्ट हो चुकी है आपस में, तो मैं कनेक्शंस दे सकता हूँ इसमें कहीं पे भी।
उसके बाद में पहली रो दूसरी रो से एक इंसुलेटिंग मटेरियल, या ये समझ लीजिए कि प्लास्टिक का एक स्ट्रिप इन दोनों रोज के बीच में लगा रहता है, जो दोनों को इंसुलेट करता है, जिससे दोनों रोज आपस में शॉर्ट ना हो। आप ऐसे समझ लीजिए, ये मेरा एक रो है इस टाइप से, ये मेरा दूसरा रो है इस टाइप से, पहला रो दूसरा रो, ठीक है, इस टाइप से ये मेरे दो रोज हो गए, और इनके बीच में एक इंसुलेटर, मेरा इंसुलेटर लेयर, इनके बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर यानी प्लास्टिक की एक लेयर लगी रहती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप यहां देख पा रहे होंगे, इसको अगर मैं पीछे की तरफ से खोल के आपको दिखाऊं तो ये अंदर से इस तरह का रहेगा, आप देख पा रहे हैं, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हमारी एक रो है, तो इसमें इस तरह से पत्ती लगी हुई है, एक लोहे की या एक कॉपर की या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की, समझ सकते हैं। ये हमारी इस तरह से एक रो हो गई, फिर दूसरी रो के बीच में एक प्लास्टिक का मटेरियल लगा हुआ है जो इनको इंसुलेट करके रखा हुआ है, यानी जिससे ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये दो रोज हो गए, उसी तरह से हमारी नीचे की ये दो रोज हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमारे कॉलम्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा पहला कॉलम हो गया, पहला कॉलम यहाँ से यहाँ तक हमारा शॉर्ट रहेगा, फिर बीच में ओपन हो जाएगा, फिर पहला कॉलम यहाँ से यहाँ तक, यानी पहले कॉलम का दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट रहेगा, फिर हमारा दूसरा कॉलम होगा, दूसरे कॉलम यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट रहेगा, फिर बीच में एक स्पेसिंग होगी, फिर दूसरे कॉलम का सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट रहेगा। और जैसे सपोज हमारा ये पहला कॉलम है, इस तरह से पहला कॉलम मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, पहले कॉलम का फर्स्ट पार्ट, फिर ये मेरा दूसरा कॉलम है, तो ये दोनों कॉलम्स आपस में उसी तरह से, जैसे रोज़ को एक प्लास्टिक की लेयर लगा के सेपरेट किया गया था, इन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन लेयर होगी, जिससे कोई भी दो कॉलम्स आपस में शॉर्ट ना हो। तो हमारी जो रोज़ होती हैं वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होती हैं, और हमारे कॉलम्स वर्टिकली, ऐसे आप देखें, इस तरह से वर्टिकली शॉर्ट होते हैं और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से सेपरेट रखे जाते हैं। आप इस टाइप में इसमें देखिए, इसको अगर मैं पीछे से खोल के देखूं तो इस तरह से रहता है। ये मेरा पहला कॉलम हो गया इस टाइप से, बीच में आपको वाइट वाइट नजर आ रहा होगा कि एक प्लास्टिक की स्ट्रिप होगी, जिससे ये दोनों कॉलम्स आपस में शॉर्ट ना हो। तो इसी तरह से बहुत सारे कॉलम्स इसमें लगे रहते हैं, बीच में एक गैप होगा, फिर जैसे सपोज ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम का सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है, ये सेकेंड कॉलम का सेकेंड पार्ट, तो ये कॉलम, सारे कॉलम्स एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि हम इसमें अपने सर्किट को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा सर्किट डायग्राम ये था, ये हमारा सर्किट डायग्राम था, ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये हमारी रोज थी, तो मैं इस रो में पावर कनेक्शंस दे दूंगा। सबसे पहले सपोज मैंने इस रो के इस कॉलम में बैटरी का पॉजिटिव, ये मेरा बैटरी कनेक्टर है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो अब इस रो में, यानी इस वाली रो में पांचवें सेगमेंट तक मैंने बताया था, ये शॉर्ट रहता है आपस में, तो इस रो में पांचवें सेगमेंट तक अब मेरा पॉजिटिव कनेक्शन अवेलेबल रहेगा। इस रो में, इस होल से इस रो में पांचवें सेगमेंट तक, यानी यहाँ तक मेरा नेगेटिव कनेक्शन अवेलेबल रहेगा। अब मुझे मेरे सर्किट में जहाँ भी पॉजिटिव कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, मैं इस रो से एक इस तरह के कनेक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दूंगा, और जहाँ भी मुझे नेगेटिव कनेक्शन चाहिए होगा वो मैं इस तरह के कनेक्टिंग वायर की हेल्प से इस रो से कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है और कौन सा PNP है, या उसका कौन सा पिन एमिटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा BC547 ट्रांजिस्टर है, इसको हमने टेस्ट करके पहले से पता कर लिया है कि इसका जो ये चपटा वाला साइड है, इसमें ट्रांजिस्टर में दो साइड्स होते हैं, पीछे से सर्कल की फॉर्म में होगा, सर्कुलर होगा, आगे से फ्लैट रहता है चपटा। तो इस ट्रांजिस्टर को BC547 है ये, इसको मैंने कल भी आपको टेस्ट करके दिखाया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो लेफ्ट टर्मिनल है, टेस्टिंग के बाद मुझे पता चला
कि इसको जब मैं सामने की तरफ ऐसे करके पकड़ूंगा फ्लैट साइड से, तो लेफ्ट जो टर्मिनल है इसका, ये वाला, ये इसका कलेक्टर टर्मिनल है, बीच वाला बेस, और सामने की तरफ जब मैं देख रहा हूँ इसे, तो इसका राइट टर्मिनल जो है वो मेरा एमिटर है। तो एक चीज़, ब्रेडबोर्ड पे किसी भी कंपोनेंट को इंसर्ट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम किसी भी कंपोनेंट को ऐसे इंसर्ट ना करें कि उसके एक से ज़्यादा टर्मिनल एक ही कॉलम में आ जाए। जैसे मैं ऐसे इंसर्ट इसे करूँगा, तो हो सकता है इसके एक से ज़्यादा टर्मिनल सेम कॉलम में इंसर्ट हो जा रहे हैं, जिससे ये सारे टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक कॉलम आपस में शॉर्ट रहेगा। यानी सेम कॉलम अगर मैं कर रहा हूँ तो वो कॉलम शॉर्ट रहता है, तो इसलिए ये टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे हमेशा ये याद रखना है कि कंपोनेंट को मैं इस तरह से लगाऊं जिससे मेरे अलग अलग टर्मिनल्स अलग अलग कॉलम्स के अंदर ही इंसर्ट हों। ठीक है, कॉलम चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे तो पास पास के तीन कॉलम्स हो सकते हैं या कहीं का भी कोई कॉलम हो सकता है, लेकिन कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग होने चाहिए। सेम कॉलम के अंदर आपको ये इंसर्ट नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने इंसर्ट कर दिया, आप देख रहे होंगे तीनों टर्मिनल्स इसके अलग अलग कॉलम्स के अंदर इंसर्ट किए हैं। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने इसके एमिटर टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया हुआ, यानी ग्राउंड किया हुआ है। तो सामने से देखने पे इसका जो एमिटर टर्मिनल था वो ये था। अब क्योंकि मुझे एमिटर को ग्राउंड करना है, तो मैं सेम कॉलम में, जिस कॉलम में मैंने इसको इंसर्ट किया हुआ है, उसी कॉलम के किसी भी होल में, यानी जिस कॉलम में इसका एमिटर टर्मिनल मैंने इंसर्ट किया है, उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं एक कनेक्टिंग वायर का ये सिरा इंसर्ट कर दूंगा, और दूसरे सिरे को मैं इसमें, जिसमें मैंने बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन दिया है, उस रो में इस तरह से इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद में आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, मैंने कलेक्टर से एलईडी का कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। और पहले हम यही कर लेते हैं, ये सपोज मेरी एलईडी है रेड कलर की, इसकी दो टर्मिनल्स हैं, जिस टर्मिनल की लेंथ थोड़ा कम है वो मेरा कैथोड है, जिसकी ज़्यादा है वो एनोड है। तो मैं कैथोड टर्मिनल को, यानी सेम कॉलम में जिसमें मेरे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर इंसर्ट किया है मैंने, मैं उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में इसकी एलईडी की कैथोड पिन को इंसर्ट कर दूंगा इस तरह से। अब मेरी एलईडी का जो एनोड टर्मिनल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, एलईडी का एनोड टर्मिनल 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा 1 किलो ओम का कोई रजिस्टर हो गया, तो जिस कॉलम में, जैसे मैंने ये लगाया कैथोड टर्मिनल ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट हो गया अभी, क्योंकि मैंने सेम कॉलम के किसी एक दूसरे होल में एलईडी का कैथोड इंसर्ट किया है, तो ये कैथोड टर्मिनल ट्रांजिस्टर के कैथोड कलेक्टर से कनेक्ट हो गया। और इस कॉलम में आप देख रहे हैं, इस वाले कॉलम में एलईडी का एनोड टर्मिनल अब इंसर्ट हो चुका है। तो इसी कॉलम के किसी दूसरे होल में, जैसे सपोज एलईडी के इस टर्मिनल के बिल्कुल बराबर वाले होल में, उसी कॉलम में मैं एक रजिस्टर, 1K रजिस्टर का एक टर्मिनल इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं 1 किलो ओम रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को मैं, इसमें मैंने पॉजिटिव सप्लाई दी है, तो इस रो के किसी भी होल में मैं कनेक्ट कर लूँगा, इंसर्ट कर लूँगा। तो इस रो के किसी भी होल में मैं इसे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अब एलईडी का एनोड टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। उसके बाद आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर के बेस पे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगा है। तो ये मेरा 1 किलो ओम का रेजिस्टर है, और मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर का जो मिडिल यानी बीच वाला टर्मिनल था वो मेरा बेस था। तो ट्रांजिस्टर का बीच वाला टर्मिनल इस कॉलम के अंदर इंसर्ट हुआ है, ये वाले कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर। तो मैं अब सेम कॉलम में जिसमें ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल इंसर्ट है, उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में, सपोज इस होल में मैं 1 किलो ओम रजिस्टर का एक टर्मिनल इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल अभी फ़िलहाल में सपोज कहीं भी इंसर्ट कर दे रहा हूँ, मैंने सपोज इस कॉलम में ऐसे इंसर्ट कर दिया ये। उसके बाद आप देख रहे हैं इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल टॉगल स्विच के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, ये वाला। एक टर्मिनल तो बेस पे हमने कनेक्ट कर दिया,
दूसरा टर्मिनल अभी मैंने इस कॉलम में इंसर्ट कर दिया है लेकिन कोई कनेक्शन उसे नहीं दिया है, तो दूसरे टर्मिनल को मुझे एक टॉगल स्विच के एक टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो ये मेरा टॉगल स्विच है, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं इस टाइप से, ठीक है। तो मैं एक टर्मिनल को सेम कॉलम में जिसमें मैंने अब इस रेजिस्टर के इस टर्मिनल को इंसर्ट करके रखा हुआ है उसी कॉलम में इस स्विच के एक टर्मिनल को इंसर्ट कर दूंगा इस टाइप से, ठीक है। और दूसरा टर्मिनल मैं देखूंगा इसी बोर्ड पे कि वो किस कॉलम में इंसर्ट हुआ है। तो दूसरा टर्मिनल आप देख रहे हैं इस कॉलम में इंसर्ट हो गया है। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में टॉगल स्विच का दूसरा टर्मिनल एक ये वायर की हेल्प से समझ लीजिए या ये डायग्राम में दिखाया हुआ है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये मेरा टॉगल स्विच का दूसरा टर्मिनल इस कॉलम में इंसर्ट हुआ है। तो मैं सेम कॉलम में एक वायर की हेल्प से ऐसे इंसर्ट कर दूंगा, यानी उसी कॉलम के जिसमें मेरे टॉगल स्विच का दूसरा टर्मिनल जिस कॉलम में मैंने इंसर्ट किया है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं ये कनेक्टिंग वायर ऐसे इंसर्ट कर लूंगा और इस कनेक्टिंग वायर का दूसरा टर्मिनल डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो मैं इसी रो में जिसमें मैंने पॉजिटिव कनेक्शन दिया है बैटरी का इसे ऐसे इंसर्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे सारे कनेक्शंस डायग्राम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा अपना, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा तो ये देखिए, जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट होंगे और एक करंट यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगी और इस स्विच के अक्रॉस 1 किलो ओम के ओम रेजिस्टर के अक्रॉस होती हुई ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुँचेगी। ये देखिए, तो मेरी एलईडी ग्लो कर जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैंने स्विच को प्रेस किया एलईडी ग्लो कर रही है, मैंने हाथ यहाँ से हटाया वो ऑफ हो जा रही है। तो ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच का इम्प्लीमेंटेशन था। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हमें बहुत जगह यूज़ करना होता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई माइक्रो कंट्रोलर है, उससे आउटपुट करंट मुझे बहुत कम मिल रही है और मुझे कोई रिले या कोई बजर ऑपरेट कराना है, तो मैं क्या करूँगा उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मैं इसी तरह से, यहाँ तो मैं स्विच की हेल्प से आपको सिर्फ समझाने के लिए ये दिखाया है, उसको मैं डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट कर सकता हूँ माइक्रो कंट्रोलर से जो आउटपुट मुझे मिल रहा होगा। तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मैं इसके बेस पे अप्लाई करूँगा और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इस ट्रांजिस्टर को ऑन करा देगा, जिससे मैं एक हायर अमाउंट ऑफ करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो करा सकता हूँ या एक नेगेटिव चार्ज एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो करा सकता हूँ, जिससे मैं किसी भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस जिसका ऑपरेटिंग करंट थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे बजर हो सकता है या मेरा रिले हो सकता है, उसको ऑपरेट करा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत से माइक्रो कंट्रोलर्स और डिजिटल आईसीज किसी रिले वगैरह को डायरेक्ट ऑपरेट करा पाने में कैपेबल नहीं होती, तो वहाँ आपको इस तरह से यूज़ करना होगा। वहाँ आपको डायरेक्ट इस टाइप से उसके बेस पे आप एक रजिस्टर के अक्रॉस उसका आउटपुट कनेक्ट कर देंगे और जैसे ही उसका आउटपुट हाई होगा, ठीक है, तो वो लो अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल हम यहाँ देकर के उसका जो आउटपुट मिल रहा है, हो सकता है उसका आउटपुट वोल्टेज बहुत कम हो या आउटपुट करंट की जो वैल्यू है वो कम हो, बट वो सफिशिएंट हो सकती है इस ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए। ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और हम एक हाई अमाउंट ऑफ करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, NPN के केस में। तो उससे आप रिले वगैरह को ऑपरेट करा सकते हैं इसी तरह से, या जैसे मान लीजिए कि मैंने LED कनेक्ट किया था, मुझे बजर कनेक्ट करना हो तो मैं बजर भी इसी के पैरेलल में आपको कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ। सपोज ये मेरा बजर है, बजर का नेगेटिव टर्मिनल यहीं कनेक्ट रहेगा जस्ट पैरेलल में ऐसे और ये कलेक्टर पे, ठीक है, ये मेरा बजर है इस टाइप से। तो मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा बजर है, इसमें भी टर्मिनल्स आपको दिए रहेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मैंने इसे कहीं भी इंसर्ट कर दिया। तो अब मैंने जिस कॉलम के अंदर इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इंसर्ट किया है उसी को एक ऐसे वायर की हेल्प से मैं कहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, और जिस कॉलम में मैंने बजर का नेगेटिव टर्मिनल इंसर्ट किया है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं ये वायर लगा करके डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ।
यानी जिसमें मेरा ट्रांजिस्टर का जिस कॉलम में मेरा ट्रांजिस्टर का कनेक्टर कलेक्टर टर्मिनल इंसर्ट किया हुआ है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं ये ऐसे इंसर्ट कर दिया, तो मेरा बजर अब ट्रांजिस्टर से कनेक्ट हो चुका है, ट्रांजिस्टर और बैटरी के पॉजिटिव से एलईडी के पैरेलल में। तो अब अगर मैं ये स्विच प्रेस करूँगा तो मेरा बजर भी साउंड करेगा साथ साथ। 1 मिनट, सॉरी बजर का कनेक्शन ये उल्टा हो गया है थोड़ा सा, आपको इसे एक्सचेंज कर लेंगे इस टाइप से। अब मैं इसको अगर प्रेस करूँगा तो मेरा बजर भी साउंड कर रहा है, ठीक है। मैंने अपनी फिंगर यहाँ से रिलीज किया तो बजर और एलईडी दोनों ऑफ हो गया। तो ये ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच हम यूज़ करते हैं, उसी टाइप से आप पीएनपी ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ कर सकते हैं।